गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ चीला रोटी बनाने के लिए। चावल का चीला रोटी, सबसे पहले मैं रात में चावल को भिगो के रखी थी ताकि सॉफ्ट और पतला और अच्छा बने। और फिलहाल इसको अभी धोऊंगी, फिर उसके बाद में ग्राइंडर में इसको पीसना है। और मेरी काम वाली बाई उधर बर्तन धो रही है। मुंह क्यों छिपा रही हो तुम? ये काम वाली बाई मेरी आ गई है अभी तो बर्तन धो रही है। तो देख सकते हो वो अपना गंदी सी शक्ल है ना, तो उसको दिखाना नहीं चाहती इसलिए नहीं दिखा रही। तो कोई ना, मत देखिए इसको, वो थोड़ा सा दिख गया वही। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं चीला रोटी कैसे बनाती हूँ। ये रहा मेरा चीला रोटी का पेस्ट, और इसको दूसरे बर्तन में खाली करूंगी। थोड़ा सा और बचा है। गाइस, तो अभी मेरा पेस्ट तैयार हो गया है और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालूंगी, क्योंकि गुनगुना पानी डालने से रोटी और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। स्वाद अनुसार शक्कर, और ये मेरा पानी गर्म हो रहा है। इसको भी डालेंगे, उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे। गाइस, तो सबसे पहले हम तवा में तेल डालेंगे। ये ऐसा ही पक जाता है बिना ढके तो, और बहुत ही पतला है और पकने में इसको टाइम नहीं लगता। ये देखो तुरंत पक गया ऊपर का। गाइस, तो फाइनली मेरा रोटी हो गया है तैयार, और बहुत पतले होने की वजह से थोड़ा सा टूट सा गया है, क्योंकि इतना पतला और इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो इजीली टूट रहा है ये। बिलाई सा शक्ल लेके मुंह उठा के आ गई और सीधे खाते बन रही है, ब्रश भी नहीं की है। कैसे लगा? ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मत बोल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मुझे मालूम था यही बोलोगी तुम, लेकिन खा रही हो, इसी को बोलते हैं खैनिंदा। गाइस, तो रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ और ये खाना खा रही हूँ। तो मैं वीडियो इन करना भूल गई थी मॉर्निंग का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।